السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الريحان سيريز تجويد سيريز میں, میں کا خير مكتم आइए देखते हैं हम आज कौन सा मखरेज और कौन सा कायदा सीखते हैं आज हम के सेक्शन में तजवीर के हिस्से में सीखेंगे कायदा नंबर पच्चीस जो है अल्लाम वल कमरी देखते हैं वल कमरी क्या है हमजा लाम यानी अल इसको भी कहा जाता है क्या क्या, क्या कहा जाता है चले, अब हम अपने मखरज की तरफ चलते हैं मखरज में हम कर रहे हैं अल्लेसान यानी जुबान और अलसान जो है वो मखारजाम का पांचवा मेन जो है वो मखरिज़ है जिसमें सबसे ज्यादा मखरिज़ है और इसमें सबसे ज्यादा हरूफ निकलते हैं तो हम देखते हैं आगे इनशा कि आज हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जो है काफी प्रोग्रामों से अलिसान जो है उसके जो पार्ट्स हैं मुख्त किस्म के मखर जो हैं वो कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने क्या क्या कर लिया है हमने लिसान जो था वो पार्ट किया है कर रहे हैं बाकी हमने अक्सर लानतलिसान हाफतल जो था वो कर लिया था और तरफ लिसान में से हमने किया था रा, नून और तीन सेट किए थे दा, दा। अब जो हम कर रहे हैं पिछले दो प्रोग्राम से हमने मखर जो है वो स्वाद जा और सीन का कर रहे हैं और स्वाद हमने कर लिया था और सीन हमने कर लिया था आज हम इनशा करेंगे जा ज़ा को जाय भी कहा जाता है तो मखरज जो जा है उ, उसको देखते हैं कि हम उसको कहाँ से ये निकालते हैं इसको और इसका मखलज प्रॉपरली बिल्कुल एग्जैक्टली कौन सा है तो जा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत ही आसान लेटर है हम इस हर्फ को अपने रोजमर्रा जिंदगी में जो है इस्तेमाल करते हैं अब हमारी जो बोल चाल है उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हम दौत को भी जा बोलते हैं हम वा को भी जा बोलते हैं हम दाल को भी जा ही बोलते हैं इसी तरह से हम जो है वो अपनी रोजमर्रा की जुबान में इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर एक जो हमारा हमारी जो क्या कहा जाए कि इग्नोरेंस है जो हम तवज्जो नहीं देते जिस चीज पे वो ये है कि हम कुरान में भी ऐसे ही पढ़ देते हैं जो कि गलत है बहरहाल हमने गौद और दाल और ये सब इनका मखरज जो है हम इंशाल्लाह कुछ सीख लिए कुछ सीखेंगे अब आज जो है हमारा जा ज़ा का मखरज है तो ये जो मखरेज है ये भी सीन और साद की तरह है सेम जगह से निकलेगा वैसे ही जुबान रहेगी लेकिन यहाँ भी फर्क ये है कि जय जो है वो वो भी एक लाइट लेटर है और साद जो है वो हैवी भारी लेटर है सीन जो है सीन और ज़ा इन दो की क्वालिटी मिलती है और वो है विसल सीटी की आवाज देखे चले देखते हैं इसका एग्जैक्ट मखरिज कौन सा है मखरिज जाब जुबान की नो को सनाया सुफला सनाया सुफला गेंद क्या था नीचे के सामने वाले दो दांत कौन से ये वाले दांत इनके अंदरूनी हिस्से पर तरह रखना कि इनके दरमियान थोड़ा सा फासला रह जाए जा की आवाज ऊपर और नीचे के सामने वाले दांतों के दरमियान से बाहर निकलती है यहां से अज इज उज है ना? निकल रही है ना यहाँ से देखिए बताया जा रहा है जुबान जो है जो नीचे के जो दांत है उनसे जरा पीछे रहेगी और ऊपर के दांत को भी कवर करेगी लेकिन इनसे पीछे रहेगी झुकाव इसका नीचे की तरफ होगा और यहां से जो है फिर वो जय की आवाज निकलेगी तो कहें अज इज उज अब जो मखरिज सात है उसको देखते हैं और फिर उसके साथ हम मखरिज जा और सीन को देख लेते हैं इन लोगों का हम थोड़ा सा जो है वो कंपेरिजन कर लेते हैं कि क्या है किस तरह से है तो स्वाद जो है वो वफखम मोटा भारी पुरैटर पुरैटर है हरफ है और जा और सीन जो है ये मुर्क यानी बारीक लेटर है बारीक पड़े जाने वाले हरूफ में से है स्वाद में जुबान जो है वो ऊपर उठती है क्योंकि हमने पढ़ा था ना मुफक्म हरूफ में के साद बा और दा, ये बहुत ही ज्यादा मोटे पड़े जाने हरूफ में से है और इसमें जुबान का पिछला हिस्सा ही नहीं जुबान का पूरा जो हिस्सा है वो ऊपर उठता है ठीक है पूरी जुबान ऊपर उठती है अस अस एस उस पूरी जुबान ऊपर जाएगी और यहां से जो है फिर उसका जो आवाज है वो बाहर आएगी और जा और सीन इनकी जो क्वालिटी है वो है क्या है विसल हम जब इसको बोलेंगे तो जो, जो उसकी आवाज है वो विसल के साथ में बाहर आएगी अज अज एस एस ठीक है तो ये फर्क है और बेसिकली अगर आप देखें तो ये है कि साद जो है वो भारी साधारी मोटा मोटापुर पड़ा जाता है और जय और सीन जो है ये लाइट पड़े जाते हैं बारीक पड़े जाने वाले हरूफ में से है लेकिन इनका मखरज एक ही है और वो है ये जो हमने भी एक्सप्लेन किया और ये तौरफुल्सान के हरूफ हैं चलिए आप देखे हैं जा देखते हैं जाकी मिसालें नंबर एक नफ संग जुर, जुर, वला जुरुआ जीरा देखिये आप यहां पर यहां पर आपने रू जो है ए जो है एक काउंट है और जी भी दो एक ही काउंट है इसको आपने खींचना नहीं ठीक है ऐसा नहीं कहना वाला ऐसे नहीं ठीक है वाला तुम फिर पढ़ लेते हैं एक दफा ولا ولا وزر أخرى تز वाला وز وز और विज, विज। जब भी कोई हर्फ साकिन होता है ना तो उसको उसकी अदायगी बहुत ही खूबसूरत और क्लियर होती है उसकी जो सिफात होती हैं उसके जो करैक्टर होते हैं बहुत ज्यादा वाजे बाहर आते हैं जैसे ये देख लें आप जब मैंने वाला तजी, तजी, और विज, तजी, विज। कितना क्लियर है ना ये अब फिर सुने वाला जीरा तुम विजरा तो जब भी लेटर जो है वो साकिन होगा हमने उसको बहुत खूबसूरत तरीके से उसकी पूरी जो सिफात है उनको बाहर लेके आना है देखते हैं हम जा पढ़ने की हदायकी में क्या गलतियाँ करते हैं आता तो है हमारा बहुत अच्छा निकलता है जा लेकिन जब ये दूसरे हरूफ के साथ में मिक्स होता है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं हमसे भी देखते हैं वो क्या है नंबर एक इसको लंबा करके दोनों ऊपर और नीचे के दांतों के किनारों से जाल की तरह पड़ना ऐसी है गलत है वो ज कैत आवाज आ रही ना आपको वो गलत है व आ तो गलत है सही कौन सा है व तो ज व तो और सीन की तरह पढ़ना रिस कन, रिस कन, रिस, रिस, रिस। बहुत ज्यादा जब हम ज़ा की जो विसल बजाने की कोशिश करते हैं या बहुत ज्यादा इसको जोर दे देते हैं ना तो ये सीन बन जाता है तो इसको बस उतना ही पढ़ें जितना इसका हक हाँ है, है? तीसरी गलती जो हम इसमें करते हैं वो ये है इसको मोटा करके वाह की तरह पढ़ना वा थूथा दो, वू था क्योंकि ये व नहीं है ये मोटा पड़े जाने वाला हर्फ नहीं है और हो जाती हैं गलतियाँ है। जैसे वाह और, और जा ये तीनों ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं ना तो गलती हो जाती है लेकिन हमें ख्याल रखना होता है कि हर हर्फ का हक देना है हर हर्फ अलहदा है उसका मखरेज उसकी सिफात और अगर उसका मखरज एक है तो वो सिफ़ात में बहुत डिफरेंट होगा अलहदा होगा तो उसके लिए जो है हमने ज़रूर जरूर इनकी ग़लतियाँ जाननी हैं ताकि हमें जो है ये पता चले कि सही क्या चीज़ है और गलत क्या चीज़ है ताकि दोनों का जब हम मुकाबला करके एक स्टडी करते हैं एक हासिल करते हैं तो हम ज़्यादा शोर हो जाते हैं कि हाँ ये गलत है और ये सही है तो इसलिए आपको जो है वो इनके मुखारिज में इनके सिफात में गलतियाँ बताई जाती हैं ताकि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें अच्छा अब जब हमने जा के मखरिज के बारे में भी जान लिया उसकी गलतियाँ भी जान लीं तो आइए थोड़ी सी जा के मुतल जो हमें गलत फहमिया हैं और या हमारी मैं कहूँ कि खुश हैं उनको जरा दूर कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़ा को बहुत ज़्यादा हम में इस्तेमाल करते हैं कैसे क्यों चले मैं आपको बताती हूँ जा क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं हमारी जुबान का एक हिस्सा है जा और ये तीन जो हर्फ हैं वा, और बाद। हम इनको हमारी उर्दू की जुबान में हम इन्हें प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते ठीक है ना जा जो है वो जा है जा हर हर्फ अलायदा अलादा है हर हर्फ अलग अलग है अगर वो कुछ हरूफ जैसे हमने पढ़ हम पढ़ेंगे आगे के एक ही और बल्कि हमने थोड़े उनके सेट कर भी लिए कि दो ये ये लोग जो हैं एक ही आ, से भी निकलेंगे तो क्या होगा उनकी सिफात अलायता है इसलिए कि अगर वो सबको हम अगर दाल भी जो है जहाँ वहां से ही निकलता है ना जहाँ से वाह निकलता है तो अगर हम जा तो कैसे पता चले कि ये जा है और ये है उसको हैवी और लाइट कर दिया तो इसी तरह से जा, 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 जा है वो जा नहीं है वो व नहीं है और वो बद भी नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं हम हमारे लिए दाल भी जा, है। वा भी जा है। और कुछ केसेस में मैं सब नहीं कहूंगी बौध को भी जा ही पढ़ा जाता है, जा है। व की जगह जा पढ़ना गलत है बाद को पढ़ना भी गलत है बात समझ में आ गई आपके ये हरूफ की शक्लें भी आपको बताती हैं कि ये जा नहीं है ये जा नहीं है बिल्कुल भी पहले तो आप सबसे ये चीज जहन नशीन कर लें ये जा में ना जाय भी जिसको कहते हैं हमें कोई अलहमदुल्ल तुम अलहमदुल्लह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अल्लाह हम हमारी जुबानों को ऐसे ही जारी और सारी रखे लेकिन ये जो तीन हरूफ हैं इनको हमने जा से मिक्स कभी भी नहीं करना ठीक है हमने इनको हमेशा अलग अलग ही पढ़ना है चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कुछ प्रैक्टिस करते हैं ये देखिए ज़ा ज़ जा, जा, अज़ अज़ अज. अज़ आपने पोजिशन देख ली है जुबान की कैसी है ठीक है अब हम चलते हैं जाल जाल की तरफ आप फर्क देख रहे हैं जुबान का ये कहाँ है ये कहाँ है ठीक है अच्छा अब चलते हैं एक और गलत फहमी की तरफ वाह वा, वा, वा जो है देखें टोटली डिफरेंट है दोनों से टोटली totally डिफरेंट है और देखते हैं बाद बाद भी तीनों तीनों की पोजीशन देखें कितनी डिफरेंट है तो फिर दाल और वा और बाद जा नहीं हो सकते क्या नहीं हो सकते जा नहीं हो सकते देखिए मैं क्यों इतना आपको जोर दे के कह रही हूं कि ये होता है हम पढ़ते हैं इस तरह से कैसे पढ़ते हैं हम इनको अलग अलग हरूफ है ना ये लेकिन हम इनको जहां दिल चाहता है हम जा पढ़ते हैं और समझते हैं हम सही पढ़ रहे हैं और हमारा कसूर भी नहीं होता क्योंकि हमें पता नहीं होता एक तो वो लोग हैं कैटेगरी है लोगों की जिनको नहीं पता कि इन में डिफरेंस भी है वो पढ़ते हैं जिस तरह से उनको पढ़ाया गया जिस तरह से उनको आ, किसी यू नो आ, बाजी ने पढ़ा दिया या मौलवी साहब ने पढ़ा दिया या किसी अपने ने पढ़ा दिया तो वो तो यही समझते हैं ना जब हम अपने बच्चे को किसी के हाथ में अल्लाह के कलाम के लिए सौ, सौंपते हैं तो हम उन पर पूरा एतमाद करते हैं वो बात बिल्कुल सही है हमारी लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को या अपने आप को सीखने के लिए जिस टीचर के पास भेज रहे हैं क्या उसकी तजवीज सही है क्या वो खुद कुरान को सही पढ़ते हैं इस चीज का पहले जान लेना बहुत जरूरी है पहले तो सब चीजें नहीं थी हमारे सामने अब तो हर चीज हम लोगों के सामने है टीचर्स अवेलेबल हैं इतनी टीचर्स हैं इतनी टीचर्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आजकल तो ऑनलाइन बहुत सी टीचर्स हैं जैसे हम लोग भी ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं आजकल तो ऑनलाइन में भी बहुत सी ऑप्शन हैं आप अच्छी तरह से उनको जाने समझें और बिल्कुल टीचर का आप जो है वो इंटरव्यू करें उनसे पूछें आपने किससे सीखा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है फिर अपने बच्चे को उसके करें अल्लाह के कलाम के लिए ठीक है इसमें कोई भी शर्माने की या हेजिटेट करने की कोई बात नहीं इसमें जो है ये शरीयत का मामला है और इसमें हमें अपने कुरान को बिल्कुल सही पढ़ना है और बच्चों को सही पढ़ाना है और उन्हें अपने लिए सही सद जारिया बनाना है नहीं कि वो हर वक्त हर हर तकरीबन जो कहते हैं ना एक आयत में हर दूसरा लफ्ज बदल दें जा जाल, की ज़ा वॉ की ज़ा बौद की ज़ा तो कैसा कुरान पढ़ेंगे हम लोग इसलिए मेरा आप लोगों को ये बिल्कुल सही और एक सिंसियर जो है वो मशवरा है कि किसी भी टीचर की क्लास अटेंड करने से पहले आ, उसके आ, सामने सामने जो नादरा हम पढ़ते हैं पढ़ने से पहले या अपने बच्चों के लिए टीचर के सिलेक्शन के लिए हमेशा हमेशा आपने पहले इंक्वायरी करनी है ठीक है तो अब आते हैं फिर हम अपने हरूफ जो अलग अलग पढ़ने हैं अब जा के लिए मैं आपको बताती हूँ हम क्या क्या गलतियां इसमें करते हैं मिक्स जो मसाला हम आ, पढ़ते हैं कुरान में जा का बाकी दाल और वा और बाद के साथ वो कैसे करते हैं देखिए एक आयत है फज जीरा फज़ फज़ ज़ 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 जरा फज ज़जिरा ठीक है चले मैं मान लेती हूँ ये हम बिल्कुल सही पढ़ते हैं अब आते हैं जाल की तरफ ठीक है

फर्क है आपको लगा फर्क है, नहीं लगा फिर वाक अगर हम देखें तो तुरा बऊ वही वाम कैसे पढ़ते हैं गलत जो हम पढ़ते हैं और यारे तो वे 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 व और ये क्या है ईद ईजा ईजा ऐ व ऐजा ये मुझे आदत नहीं है तो थोड़ी जुबान मेरी इसके लिए नहीं चल रही और ये हम गलत कैसे पढ़ते हैं जा, वाँ जा, वाँ जा. क्या कितना फ़र्क़ है और व्या में कितना फर्क है हम पढ़ लेते हैं तो रऊ व आई कितना गलत पढ़ते हैं हम लोग फिर बात मैंने ये खास तौर पे चुना है ये जो लफ्स है क्योंकि ये बहुत जरूरी है हम अपनी नमाजों में इसको हर रोज बहुत दफा पढ़ते हैं और अगर हम इसको पढ़ते हैं वला जा, वला जा, 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 लीन। तो वो कैसे सही है ولا बदबली सही है और गलत क्या है व लजी व लज वज अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं व पढ़ लेते हैं तो वो जो वाला वल्लभ वा है वो क्या है वो ये व है ये वा। अच्छा चले वहां तक भी अगर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं दुआ वाला दुआ 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 को ही कोई भी हर्फ नहीं है हरूफ तहजी में ना उर्दू में है और ना ही अरबिक में है सुने कभी दुआ 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 वलत दुआ लीन बिल्कुल गलत है वलत दुआली तो के साथ वाह हो गया बिल्कुल ही गलत कहा और ब कहा और व कहा बलग अलग है राइट right? ठीक है ना आपने अगर ये पहचान कर लिया तो अगली दफा जब आप अपना कुरान पढ़ेंगे तो अगर आपने उन्हें कर लिया ना आपको पता चल गया कि नहीं नहीं ये 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 तो वाल है ये, ये जहा नहीं है ये वाह है अग, मैं कहती हूँ अगर आपको नहीं भी उसका प्रोनाउंसिएशन उसको अदा करना नहीं आ रहा पहले अगर हमने इतना शुरू भी आ गया ना कि नहीं हम गलत पढ़ रहे हैं। नहीं मुझे ऐसे नहीं पढ़ना तो आधा काम हमारा वैसे ही हो जाता है तो जो मेरे नाबरीन जो हैं, वो खुद को वो खुद के अपने जजे में तो सबके बारे में नहीं जानती आप खुद अपने बारे में जानते हैं कि अगर आप इस तरह की मिक्स तिलावत करते हैं और नहीं परवाह करते ये कौन सा हर्फ है और ये कौन सा हर्फ है और जान लें अपने दिल में ये बिठा लें जहन में दिमाग में आजकल की अगर टर्म यूज करें तो आपकी जो चिप है ना मेमोरी चिप उसमें बिठा लें कि कोई भी हर्फ एक जैसा नहीं हरूफ तहज़ी ठीक है वो मिसरान मी मी मिम मा वो तो एक अलग बात लेकिन हरूफ तहज़ी में कोई भी हर्फ एक जैसा नहीं है हाँ The, the, आप कह सकते हैं सीन, लेकिन ये भी तो अलग अलग है मिलते जुलते जरूर होंगे लेकिन हैं तो तो अलग, है ना? तो हमने सबसे पहले अपने आप में ये शुरू पैदा करना है कि हर हर जो अरबी का और उर्दू का भी जो है वो अलादा है चले उर्दू में हम प्योर अगर हम उर्दू नहीं बोलते और हम गलतियां कर लेते हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं है उसमें कोई हर्ज नहीं है वो एक जुबान है आम, लेकिन जो कुरान की जुबान है जो कुरान का कलाम है वो अल्लाह सुबहाना तआला का कलाम है उसको हम इस तरह से नहीं पढ़ सकते जैसे मर्जी आई लेजी हो गई जी अब क्या वो बाद, बाद, अब क्या वाह नहीं निकल रहा चलो थोड़ा बहुत निकल ही रहा है ना वाह वाह नो ऐसे नहीं होगा आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी इसके लिए जो है वो इमाम इब्न जजरी उनकी पोएम है एक नजम है वो एक्सप्लेन करते हैं सारी जो है उनकी जो नजम है वो तजवीद के इल्म में बड़ी वो उसका एक मर्तबा है और उन्होंने शायरी लिखी है जो तजवीद के असूलों पे है तो फिर उनका जो है तशरी की जाती है उनकी उसकी जो नजम है एक एक जो उनका लाइन है उसमें जो है वो उन्होंने एक रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है तो उसके लिए बाकायदा सनद होती है उसके लिए यानी बहुत ही खूबसूरत कोर्स होता है वो तो वो कहते हैं अपनी नजम में के प्रैक्टिस के अलावा इसको परफेक्ट करना तजवीद को और के औरारज को और इनकी सिफात को कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय इसके कि तुम इतनी प्रैक्टिस करो इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा मुँह थक जाए तुम्हारे उन्होंने जबड़ों का लफ्ज यूज किया तुम्हारे जबड़े तुम्हारा मुँह थक जाए तो आप सोचें एक आलिम इतना बड़ा आलिम इतनी बड़ी बात कह रहा है तो उसमें कुछ तो सच्चाई है हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे फिर कहेंगे ओ नहीं हमें तो बड़ा काम है नहीं हमसे तो नहीं हो रहा और बहुत ज्यादा मैं अपने जो बुजुर्ग मेरे जो आ, हैं उनसे नाजरीन उनसे मैं दरखास्त करूंगी के उम्र की इसमें कोई भी वजह नहीं हाँ बाज़त ये होता है कि हमारे दांत होते हैं वो नहीं होते और उसमें फिर सही तलफ ना निकले वो अल्लाह के ऊपर है अल्लाह सुबहाना तआला हमारी कोशिशें देखता है अल्लाह सुबहाना तआला ये नहीं देखते कि अब आप ये सोच के बैठ जाए कि भाई मेरे तो दांत ही नहीं है तो मैं तो प्रैक्टिस ही ना करूं मेरे तो मुझे तो ये बता रही हैं कि आगे के दो दांतों के ऊपर लगाएं तो मेरे तो आगे के दो दांत ही नहीं है तो कोई बात नहीं ना हो आप अपने मसूड़ों को लगा ले कुछ तो करेंगे ना कुछ तो करेंगे कुछ तो कोशिश करेंगे ऐसे तो नहीं ना कि हम बैठ जाएंगे अब जब हमें पता चल गया तो इतनी प्रैक्टिस करनी है मेरा जो जो है 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 वो ये कि हम जो है, मैं अपनी आपसे बात करूंगी कि जब मैं सीख रही थी तो जाहिर है मैंने माशाल्लाह कुरान तो ठीक सीखा था लेकिन जाहिर है उसमें थोड़ी ऊंच नीच थी तो जब मैंने यहाँ पर अपनी एक अरबिकमा से मैंने जब सीखना शुरू किया तो मुझे लगता था मुझसे ये नहीं होगा मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा लेकिन बात सारी ये थी उन्होंने कहा नहीं तुमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है यहाँ पर अगर हम बात करें अवा नहीं निकल रहा मुझे समझ नहीं आती थी जुबान कैसे ऊपर करूं लेकिन वो नहीं होगी जब तक कि हम वा, वा, जब तक कोशिश नहीं करेंगे उसकी एक वजह है शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में कहीं बताई हो कि हम ये मसल्स जो हैं गा के और जाल के और बौद के ये हम इस्तेमाल नहीं करते रोजमर्रा में तो ये स्टिफ है वो जो इलाके हैं वो जो मखरिज हैं वो जो पॉइंट्स हैं वो स्टिफ हैं वो जब तक के थोड़े लूज होंगे ढीले होंगे वो कैसे होंगे कि प्रैक्टिस ना करने से नो no. जब आप प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आता वो लूज होना शुरू होगा अब दे, 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 दे ऐसे से करेंगे कोई बात नहीं हर एक हर एक की कोशिश में आप जितने भी अपने आप को थकाएंगे आपको उसका अजर है क्योंकि आप इसको किस लिए कर रहे हैं अल्लाह तआला के कलाम के लिए उसको राजी करने के लिए तो उसको राजी करने के लिए तो हम जो भी काम करेंगे उसमें करेंगे उसमें अजहर ही है और दूसरी चीज़ ये है कि जो जो ना निकाल पाए जो मा, माजूर भी हैं नहीं निकलता उनसे उनको दोहरा अजहर है क्यों वो कोशिश करते हैं और नहीं हो पाता कितनी कोशिश करता है इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में हम आम जिंदगियों में कितनी कोशिश करते हैं दूसरी चीजों के लिए तो इसको भी अगर हम दिन में ज्यादा नहीं सिर्फ पंद्रह मिनट दे दें पंद्रह नहीं तो दस दस नहीं तो 5 मिनट सिर्फ सिर्फ अल्लाह के कलाम को सही करने के लिए तो जरूर करें अल्लाह से कहें कि वो आपके लिए आसानियां फरमाए आपको सिखाए इनशा तदन आप देखेंगे कि किस तरह से आपके लिए सब चीज आसान हो जाएगी बस आपका काम है कोशिश करना और कोशिश करते रहिए ठीक है अल्लाह सफाना वाली से दुआ है कि वो हमें हमारी गलतियाँ सुधारने में फरमाए और हमें इलम्नाफ़ अता फरमाए और अपनी खूबसूरत किताब को हमें तोफ़ीक अता फरमाए आसानियारमाए कि हम उसी तरह से खूबसूरत तरीक़े से पढ़ें जिस तरह के उसको पढ़ने का हक है तो उम सईद को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए और इन हम अगली जो अगला सबक है उसमें नए सबक नए रूल नए तजवीज के उसके रूल के साथ में हाजिर होंगे और तब तक इजाज़त दीजिए बना तकबल मन्ना इन्ना कन तसमलीम وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته